हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। और आज हुआ है हेयर वॉश मेरा। मैं आज हेयर वॉश करके आई थी क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हेयर वॉश मैंने नहीं किया था। मैंने कहा चलो हेयर वॉश भी कर लिया जाए, यहीं से ब्लॉग भी शुरू किया जाए। ठंड बहुत हो रही है यहाँ पे क्योंकि हर दूसरे दिन बारिश हो ही जाती है यहाँ पे, और आज भी बारिश हुई है यहाँ पे। लेकिन मैंने कहा चलो कर लिया जाए हेयर वॉश, वरना फिर रह ही जाता है इसलिए। और अभी भी बादल गरज रहे हैं ना, तो बस अभी तक भी रेडी हो गया है। उनकी क्लास होनी है आज, तो उसको बैठा के आई हूँ रूम में, तो वो क्लास करेंगे। तो मैंने कहा जब तक अपने बाल सुखा लूँ उसके बाद उसके साथ बैठूँ और फिर क्लास करवाती हूँ उसकी। आज है फ्राइडे और उसकी क्लास जो है सैटरडे संडे, 2 दिन उसका ऑफ होता है। और आज ही उसकी क्लास होगी, उससे पहले फटाफट से मैं भी रेडी हो जाऊं, फिर उसके साथ बैठ के उसकी क्लास करवा दूं और फिर आपसे मिलते रहेंगे बीच बीच में। तक्ष की हो गई है क्लास। बीच में मैंने फोन बंद कर दिया था क्योंकि तक्ष की क्लास चल रही थी। अभी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए सिवई, जो जवे कहते हैं ना उसको, नमकीन जो जवे बनाते हैं वो वाले। और किचन में आई हूँ अभी। आज हेयर वॉश किया ना तो आज ठंड थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। पहले सारे बर्तन दिए, देखिए कितने बर्तन, सर्दी इतनी है बर्तन खूब निकलते हैं घर में धोने के लिए, हालत खराब हो जाती है। तो मैंने कहा चलो बर्तन भी लगा लिए जाए साथ के साथ और काम भी निपटाया जाए। मैं बाल फोल्ड कराई, बाल फैले रहे ना किचन में तो अच्छा नहीं लगता, कि खाने में कहीं बाल पड़ जाए डर लगता है। बर्तन बस एकदम अभी जाके खाली किया, इतने बर्तन सब लगा देती हूँ मैं, जब आप लोग जानते हैं जब बर्तन सूख जाते हैं उसके बाद। और अभी मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा तेल, उसमें मूंगफली थोड़ी सी फ्राई कर रही हूँ क्योंकि इसमें मूंगफली भी डलती है, अच्छा लगता है। मतलब ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अभी मैंने इसमें से निकाल दी है मूंगफली, तो उसी में मैं थोड़ा सा राई का लगाऊंगी छोका। मैंने प्याज टमाटर छोटे छोटे चॉप करके रखे हुआ, हरी मिर्च, ये सभी मैं डाल के इसको अच्छे से सॉर्ट कर लूँगी। इसमें हल्का सा जब प्याज और टमाटर पक जाएगा उसमें फिर मैं डालूँगी। गाजर भी मैंने काट के रखी है, तो अभी मैं डाल रही हूँ प्याज। मतलब जितने वेजिटेबल आपके पास हो ना आप सब डाल सकते हैं, तो ये ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि प्याज डालो टमाटर डालो, शिमला मिर्च या शिमला मिर्च डाल दो। अब जैसे मेरे पास गाजर पड़ा था तो मैंने देखिए गाजर को चॉप करके डाल दिया है, और थोड़ा सा मटर रखा था तो मैं मटर भी डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा। ये देखिए ज़्यादा मटर नहीं, बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ। मटर इसलिए कम डाल रही हूँ, मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन तक्ष पसंद नहीं करते इसलिए मटर कम डाला है। नमक मिर्च मसाला जो भी सूखा मसाला होता है वो डाल दिया, अपनी चॉइस के हिसाब से कि घर में सब लोग कैसा खाते हैं, ज़्यादा तीखा खाते हैं कम खाते हैं, मसाला कम खाते हैं ज़्यादा। तो अच्छे से जब सब्जी पक जाए थोड़ी सी, ये देखिए मेरी सब्जी जो है वो पक गई है, 2 मिनट में पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें। तो इसको अच्छे से फ्राई देखिए मैंने कर लिया है, जब ऐसी हो जाए फिर इसमें अब जो जवे जो सिमई भी जिसका हम बनाते हैं मीठी वाली, बबीनो भी इसको कहते हैं बहुत लोग, तो वो मैं डाल दूंगी इसमें 1 कटोरी। इसी बाउल से मैंने लेके डाल दिया है, तो ये अब इसे मिक्स करने के बाद इसी ही बाउल से लेके मैं इसमें पानी डालूंगी, और ये 2 मिनट में बन जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और कभी भी ऐसा हो ना कि घर में कोई आ जाए अचानक, कुछ आपको ऐसा चटपटा नाश्ता बना के देना हो ना तो ये आप दे सकते हैं। और घर के मतलब हेल्दी भी है, घर पे ही बने हुए हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही, तो मार्केट के जवे हैं लेकिन बहुत सारे लोग जो है घर पे भी जवे तोड़ते हैं। ये देखिए कितना खिला खिला बना है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लेंगे, बहुत पानी इसमें हिसाब से डालना होता है, अगर आप पानी हिसाब से नहीं डालेंगे ना तो ये चिपक से जाएंगे, है ना। तो इसलिए पानी का मेजरमेंट बहुत ही कम पानी में ये पक जाता है, क्योंकि सब कुछ तो पका ही है, सब्जी पकी हुई है, जवे ऑलरेडी
रोस्टेड होते हैं, तो जिस कटोरी से मैंने जवे लिए थे उसी कटोरी से मैंने एक पानी ले लिया है, बस इतने पानी से हो जाएगा। मिक्स करके आप इसको ढक के रख देना है, ये रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में। रेडी हो गया, खाया जाए गरम गरम। ये देखिए कहाँ बैठ के पानी पी रहा है, सो के उठे हैं, पानी पीना था और जाके बेड के ऊपर बैठ के पानी पी रहे हैं। और जी क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो रहा है, बारिश यहाँ एकदम झमाझम वाली बारिश हो रही है। पतिदेव को देखो, हेयर स्टाइल बन रही है। क्या हो रहा है? सर में खुजली हो रही है। खुजली, डैंड्रफ हो रहा होगा फिर आपके सर पे। और बारिश यहाँ कल रात से हो रही है, बहुत हो रही है। अभी जाके थोड़ा सा मौसम खुला है, आपको दिखाती हूँ एक मिनट बैक का। ये देखिए पूरी दीवारें भीगी हुई है, रात भर यहाँ बारिश हुई है। नीचे देखिए पूरा रोड भीगा हुआ है। मौसम बहुत बढ़िया हो गया है यहाँ पे। इधर बन गई है मेरी कढ़ी, कढ़ी चावल खाएंगे आज हम लोग। तक्ष के पापा रोटी लेके जाएंगे, कढ़ी और रोटी। मतलब बन नहीं गई है, बन रही है, पक रही है अभी। जितनी पकेगी उतना कढ़ी में स्वाद आता है ना, तो मैं काफ़ी पकाती हूँ कढ़ी को। चढ़ा दिया मैंने कढ़ी और बस रोटी बन चुकी है। रोटी बन चुकी है, तक्ष जी सो रहे हैं, मेरा खाना बन गया है क्योंकि ये तो ऑफिस जाएंगे ही। मैंने कढ़ी बनाई है, रोटी बनाई है। हम लोगों को जब खाना हो, तक्ष को और मुझे, हम दोनों चावल बना लेंगे गरम गरम। और घर का भी कुछ काम नहीं हुआ है, चाय पिए बस। अब काम शुरू करेंगे, सोच रही हूँ कढ़ी बन जाए, जब तक झाड़ू लगा लेती हूँ घर पे। सामान आया है थोड़ा, दूध वगैरह धो के रखना है, सैनिटाइज करके रखना है। सो चलिए अभी इस ब्लॉग का कर देते हैं एंड, और बाकी के काम निपटाते हैं। फिर जल्दी ही मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। आप इस ब्लॉग को एंजॉय करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सभी नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास आते रहे ब्लॉग्स के। तक्ष जी भी जाग गए हैं, अंदर बातें चल रही है, गप्पे शप्पे दोनों की। मैं अभी इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, इसको अपलोड करती हूँ, उसके बाद नया ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। जब तक के लिए बाय बाय।